जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था, बहुत साल पहले की बात, तो 5 बजे कचहरी से निकला, तो रास्ते में लोगों ने हमको रोका माटा दुकान में और कहा कि सर एक खिली पान खा लिया। कचहरी से छूटा था, डेरे जा रहा था, गाड़ी खुद ही चलाता था। मैंने जीप रोकी और उनके रिक्वेस्ट पर मैं उनके दुकान में बैठ गया, बाटा की दुकान, जूते की दुकान में, मधेपुरा के बाटा के जूते की दुकान में मैं बैठ गया। मैं बैठा हुआ, जब बैठा मैंने, जब मैं बैठा वहां तो देखता हूं मैं कि एक आदमी पहले से वहां पर बैठा हुआ। उस आदमी का चेहरा मुझको जाना पहचाना लगा, इसीलिए कि उसी दिन कचहरी में उसकी तारीख थी और उसके जमीन के लिए बात हो रही थी। मैं सुन रहा था, मैं उस कोर्ट में उस समय मजिस्ट्रेट था, सुन रहा था, इसीलिए उसको पहचान रहा था कि मामला तो आलमनगर का है, ये आदमी का मुकदमा है, मेरे कोर्ट में था आज दिन में, वही है ये। अब बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसको, सफेद सफेद, और उम्र करीब 80 साल की हो, लंबा आदमी था, 80 साल की हो। हम तो उससे क्या मतलब, लेकिन मैं पहचान गया कि आज ही मेरे इसका डेट था केस का, मेरे कोर्ट में ये था। अब उसकी उसकी सफेद दाढ़ी थी, पूरा उजला कपड़ा पहने हुए था, साधु नुमा, और मामला भी साधुता का ही था। एक महंत मर गए थे, उसी की जमीन का मामला था और मेरे कोर्ट में केस चल रहा, वो उसका शिष्य था, अब वही अपना उत्तरदायित्व क्लेम कर रहा था और दूसरे लोग भी क्लेम कर रहे थे जो झगड़ा होता। मैं बैठा हुआ था, मुझको उससे क्या लेना देना। वो एक आदमी से बात कर रहा है, अब याद नहीं है किस आदमी से बात कर रहा था, जिससे बात कर रहा था उसको भी मैं जानता हूं, उसे मैं जानता था, उसे बतिया रहा था कि जानते हैं आलमनगर में जो मेरी खेती है उसमें इतना क्विंटल बैंगन हुआ, इतना क्विंटल आलू हुआ, इतना क्विंटल धान हुआ। मेरा तो पान लाने वो लोग दुकान में गया था, पान आता, पान खाके मैं चलता, मैं बैठा हुआ, और दो चार गुरु भाई लोग थे उस समय, वो लोग खड़े थे, मैं बैठा हुआ था, वो आदमी अब बैठा हुआ था कुर्सी पर, हमसे नहीं रहा। हमने कहा कि भाई साहब, आप चेहरे से तो और पोशाक से तो साधु लगते हैं। जी हम साधु हैं। हम कहा कि क्या उम्र हो गई आपकी और कितने साल से आप साधु हैं। उसने कहा कि जब मैं बच्चा था तभी से इसमें हूं और मेरी उम्र 80 साल की हो गई। हम कहा 80 साल में अभी भी आपको आलू प्याज बैंगन का भाव ही दिमाग में आ रहा है, वह भगवान वह आपका आराध्य आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। 1984-85 की बात मैं कह रहा हूं, यानी उस समय भी मैं जानता था कि कोई साधु होगा, कोई गुरु होगा तो वो लौकिकता से हटेगा और पारलौकिकता में प्रवेश करेगा, उसका मन ज्यादा उधर भागेगा। उस समय भी मैं मुझको ये बात मालूम, और मैंने उस साधु को कहा कि आपको घिना दिया था, ये सब कौन बात करते हैं, आपको साधुता की बात करनी चाहिए, ठीक है कचहरी में मुकदमा है, जमीन का होगा, देखा जाएगा, लेकिन बाहर भी निकले हैं तो आप भी यही गप कर रहे हैं कि इतना क्विंटल चावल हुआ, धान हुआ, इतना क्विंटल आलू हुआ, इतना क्विंटल बैंगन हुआ, ये क्या कर रहे हैं। फिर हमने उसे पूछा भी, कोई आपको कहे तो कागज जी ना, हम तो शादी किया ही नहीं, हम तो साधु हैं बचपन, ये साधुता है कि असाधुता है। और उसी समय से हमने एक मापदंड बनाया था, अभी मैंने कहा ना कि उसको लैक्टोमीटर बोलिए, बैरोमीटर बोलिए, थर्मामीटर बोलिए, जो मीटर बोलना है बोलिए, कि गुरु वही है जो अपने शिष्य के मन में उस परमात्मा से प्रेम जगा दे, प्रेम जगा दे। प्रेम आपके पास है, उसको लाना नहीं है, कोई चीज आप में डाली नहीं जा सकती है, वो है, उसी को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, तो प्रेम ना तो आप में है,
होना ही होना है। तो गुरु क्या करते हैं, वो जो आपके प्रेम है ना, उसको मोड़ते हैं शिव की ओर, मोड़ते हैं परमात्मा की ओर, मोड़ते हैं ईश्वर की ओर। और जैसे उसमें प्रेम जगेगा तो प्रेम के अपने लक्षण है, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है। धरती पर आप रहते हैं, रोज प्रेम का तमाशा देखते हैं, प्रेम करते भी होंगे, किया भी होंगे। वो मीरा का कृष्ण से प्रेम हो, लैला का मजनू से प्रेम हो, आपका अपने बेटे से प्रेम हो, या बहन से प्रेम हो, या पति का पत्नी से प्रेम हो, प्रेम के लक्षण एक के, वो कहीं भी पैदा होगा वो अपना लक्षण देगा। क्या उसमें दीवानापन होगा? प्रेमी अपने प्रेम पात्र को याद करेगा ही करेगा, उसको भूल नहीं सकता है, क्योंकि उसे प्रेम करता है। प्रेम के अपने लक्षण है, वो अपने लक्षण प्रकट करेगा। तो गुरु क्या करते हैं, शिष्य के मन में शिव के प्रति प्रेम जगाते हैं। और इसीलिए कई महोत्सव में मैंने इस बात को कहा है कि आपका गुरु तो काम कर रहा है भाई साहब, वहां शिव गुरु के रूप में तो ऑपरेटिव है, क्रियाशील है। अच्छा बताइए, इस संगोष्ठी में आप लोग कहां लाए हैं? इतने लोग आए हैं ना, क्या रोज ही लोग आते हैं? काहे के लिए आए? किराया आपको लगता है? इस गर्मी में परेशानी आपको होती है? भोजन की असुविधा, जल की असुविधा, बैठने की असुविधा, खाली असुविधा ही असुविधा है, तब भी क्यों आते हैं? ठीक है, 40% लोग आते होंगे कि उनको कष्ट है, गलत से सुन लिया उन लोगों ने कि यहाँ जाने से कष्ट कम हो जाता है, अब बाकी 60% कह के लिए आता है? कुछ नहीं है इसमें, न मेरा खेला है न आपका खेला, खेला उस गुरु का, जिसको आपने गुरु बनाया है उसका खेला, उसकी दया है, उसका तमाशा है, उसका ये नतीजा है। क्या उसने शिव के प्रति प्रेम आपके मन में धीरे धीरे जगाया है? इसीलिए शिव चर्चा की बात जहाँ होती है, महोत्सव की बात जहाँ होती है, कान में पड़ता है कि संगोष्ठी है, चलना है, आप अपना पैसा खर्च करके नहीं, पैसा होता है कर्जा लेके, इधर से उधर से कहता कहता करके आप पहुंच जाते। देखिए ये दीवानापन है, प्रेम के लक्षण है, उसमें दीवानापन होता है, सुनेगा नहीं, जैसे जैसे ही पढ़ता जाएगा विपरीत परिस्थितियों को ये तोड़ता जाएगा, नहीं मानेगा। तो गुरु का काम है कि वो अपने शिष्य के मन में प्रेम जगाते हैं, प्रेम का आवेश पैदा करते हैं, चार पैदा करते हैं। प्रेम तो हमारे आपके पास है, उसको डालने की जरूरत है। इस मामले में शिव गुरु का रिजल्ट कमाल का, इस मामले में महादेव का रिजल्ट कमाल का है। गुरु के रूप में वो इतना बढ़िया ऑपरेटिव है, इतना बढ़िया ऑपरेटिव है कि उनके शिष्यों के मन में अध्यात्म घुस रहा है, वहां शिव कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहा है। और मैंने कहा था कि घरों में महादेव को ले जाके क्या करिएगा, लोगों के दिलों में ले जाएंगे ना, दिल में बसेगा तो संसार में बस जाएगा वो, घर में ले जाके कहा कर दिएगा। एक पूजा घर बना दिया, मंदिर बना दिया, और सुबह शाम पहुंच गए जी गोड़ लगते हैं, अरे अपने दिल में उसको बैठाइए ना, दिल में बैठाइए, वो आपसे परिवर्तन लाए, आप में आमूल परिवर्तन ला देगा, आपके संस्कार बदल जाएंगे, आपका सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जहां तक दुख और सुख का सवाल है, ये तो होगा, दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, कोई नहीं रहा है। जगत शब्द का अर्थ ही होता है, गंदम धातु से बना है, इसका अर्थ होता है चलने वाला। द वर्ल्ड इज ए पैसिंग शो, ये जो दुनिया है ना, ये गुजरता हुआ तमाशा। तो यहाँ तो सब चीज गुजरती है, तो सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, कष्ट भी आते हैं, सुविधाएं भी हमको आपको मिलती हैं, लेकिन इसी में जिनको जो करना है वो कर ही लेते हैं, जो करना चाहते हैं वो पूरा कर ही लेते हैं, और किसी न किसी तरह से वो उपाय ढूंढ लेते हैं। आप जो कहते हैं ना कि मार्गदर्शन लेंगे हरिनारायण जी से, उनसे पूछेंगे क्या हो सकता, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कोई मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, चाहत केवल आपके मन में हो जाए,
आपके मन में एक दर्द पैदा हो जाए कि मेरा गुरु जगत गुरु है, लेकिन जगत गुरु है नहीं, बड़ी मुश्किल है। मेरा गुरु सबसे बड़ा गुरु है, गुरुओं का गुरु है, गुराधिपति है, शिव ही है वो, लेकिन वास्तव में तो वो गुरु नहीं है। कागज में है, अखबार में है, बोली में है, शास्त्रों में है, किताबों में है, ग्रंथों में, वास्तव में तो नहीं है। मैं नहीं कहता कि दूसरे उस कुर्सी पर क्यों है, दूसरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वोपरि को सर्वोपरि बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, जो श्रेष्ठ है उसको ऊंची कुर्सी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। मैं कहां कहता हूं कि आप अपनी कुर्सियां छोड़ दें, लेकिन जो आप मुंह से बोलते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है, इसको तो अपने ऊपर की कुर्सी देनी होगी ना। आप तो स्वीकार करते हैं कि वो गुरुओं का गुरु, आप तो कहते हैं कि वो जगत गुरु, लेकिन ऐसा है नहीं, तो किसी को भी खराब लगेगा। हरेक महादेव को जो लोग चाहते हैं उनको खराब लगेगा कि देखिए ये तो सब कुछ में टॉप का है, लेकिन गुरु में टॉप का नए है, खाली किताबे में है, भाषणे में है, अखबारे में है, बोलिए, सब कुछ में वो टॉप है क्या? मैंने वही एक सत्ता है जो जिद्रों से आप नाप लीजिए, वो आपसे ना नापाने वाला। गृहस्थ जीवन से नाप लीजिए, साधुता से नाप लीजिए, तंत्र में नाप लीजिए, योग में नाप लीजिए, जहां ना नापाने वाला ना नापाएगा आपसे, किसी से नहीं ना पाया तो हमसे आपसे क्या ना पाया। लेकिन गुरु की कुर्सी पर जो वो ज्ञान देते, जो दान दे सकता है वो ज्ञान नहीं दे सकता, गजब आदमी है। जो दान दाता है वो ज्ञान दाता नहीं है क्या? वही ईश्वर है, वही शिव है, वही ज्ञान देता है, वही दान देता है, वही धन देता है, वही धान्य देता है, वही ज्ञान देता है। और आप खूब अच्छी तरह समझते हैं कि बिना ज्ञान के धन धान्य की कोई कीमत नहीं, बिना अकिल के, बिना बुद्धि के किसी चीज की कोई कीमत नहीं, वो आपके लिए अनुपयोगी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, हो सकता है घातक भी हो जाए। अगर शक्ति है उसमें तो आपके लिए घातक भी हो सकती है, अगर शक्ति का संचालन आप ठीक से नहीं जानते हैं तो वो शक्ति आपके लिए घातक हो सकती है। इसीलिए सरकार लाइसेंस देती है शस्त्रों का, गाड़ी चलाने का, मोटरसाइकिल चलाने का, क्योंकि उसमें पावर है। पावर का गलत इस्तेमाल करिएगा तो साधु के बदले